अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं Schoolz.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 74K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड लेके हैं, जो हमने बिल्ड की है फाइक वकार भाई के लिए। इनका ताल्लुक कराची से है। फाइक भाई, आपकी डिमांड थी कि ये जो बिल्ड आप करेंगे इसकी वीडियो अपने चैनल पर ज़रूर लगाइएगा। तो फाइक भाई, आज हम आपके लिए जो है आपकी वीडियो जो 74K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की है उसकी वीडियो आज हम अपने चैनल पे लेके आए हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और इनकी प्राइस जो है वो आगे चल के आपको जो वीडियो में बताता हूँ, इनकी डिटेल प्राइस भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं जी 74K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की तरफ, जो फाइक वकार के लिए हमने बनाई है जिनका ताल्लुक कराची से है। तो इसमें जो हमने स्पेसिफिकेशन यूज़ की है उसके बारे में सबसे पहले आपको बताता चलो, तो इसमें हमने जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो i7 4th जनरेशन का हमने प्रोसेसर यूज़ किया है। इसके अंदर 4770 4770 जो प्रोसेसर है हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। अब बात करेंगे इसके मदरबोर्ड की, जो इसके अंदर हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो H81 का मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है, 2 RAM स्लॉट वाला। इसमें आप i7 4th जनरेशन का जो है वो प्रोसेसर लगा सकते हैं, इसकी लास्ट जनरेशन है जो इसको सपोर्ट करती है। इसके अंदर साटा ड्राइव्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो 4 साटा ड्राइव्स लग सकती हैं, 2 रैम्स लग सकती हैं, क्योंकि 2 RAM स्लॉट है। 8 8 GB की 2 रैम्स भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। हमने भी इसके अंदर जो है वो 8 8 GB की 2 रैम लगाई है। टोटल हमने 16 GB रैम इस बिल्ड के साथ जो है वो लगाई है इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो जो हमने रैम इसके अंदर यूज़ की है वो 8 8 GB की 2 स्टिक है। 1600 MHz वाली रैम हमने इसमें यूज़ की है, 16 GB टोटल रैम हमने इस बिल्ड में यूज़ की है। अब बात करेंगे SSD की, तो इसमें हमने XR की 128 GB SSD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, 3 ईयर वारंटी के साथ है। और इसके साथ जो हमने HDD यूज़ की है वो 500 GB की HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, 100% हेल्थ के साथ और 7200 RPM वाली। अब बात करेंगे PSU की, जो इसके अंदर हमने PSU यूज़ की है वो एनटेक की 80+ ब्रॉन्ज में 500 वॉट की PSU हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। और अब आते हैं जी केस की तरफ, तो इसमें जो हमने केस यूज़ किया है वो नॉर्मल केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया। अगर आप गेमिंग केस लगवाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। गेमिंग केस हमारे पास जो है वो तमाम ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास 8500 से लेके 24000 तक के गेमिंग केस अवेलेबल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इसमें कोई भी गेमिंग केस जो है वो लगवा सकते हैं, लेकिन हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो नॉर्मल केस यूज़ किया है। इसकी प्राइस भी आ गया आपको चल के बताता हूँ। अब लास्ट पे बात करेंगे, जो इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया वो गीगाबाइट का ड्यूअल फैन में 10x10 कंडीशन में ग्राफिक कार्ड यूज़ किया, लाइक न्यू कंडीशन है बिल्कुल, बल्कि न्यू कंडीशन में हमने जो ग्राफिक कार्ड इस बिल्ड में यूज़ किया गीगाबाइट का GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड, 6GB 192 बिट का ग्राफिक कार्ड हमने जो है वो इस बिल्ड के साथ यूज़ किया है। ये थी 74K बजट गेमिंग पीसी बिल्ड की स्पेसिफिकेशन, जो फाइक वकार के लिए हमने बनाई है। इसकी प्राइस आपको अब अपडेट देता चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, जो इसके अंदर हमने प्रोसेसर यूज़ किया है i7 4th जनरेशन का प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में यूज़ किया 13000 में, यानी कि 13000 रुपये में हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो प्रोसेसर यूज़ किया है। अब बात करेंगे इसकी जो मदरबोर्ड की, जो इसके अंदर हमने मदरबोर्ड यूज़ किया है H81 का मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में यूज़ किया, 2 RAM स्लॉट वाला। इस मदरबोर्ड की जो मार्केट प्राइस है वो 5500 से 6000 है, लेकिन हमने 5000 में इस बिल्ड के साथ जो वो यूज़ किया है। अब आते हैं जी रैम्स की तरफ, इसमें जो हमने रैम यूज़ की है 8 8 GB की 2 स्टिक हमने इस बिल्ड में यूज़ की है, 1600 MHz वाली। टोटल 16 GB रैम है, 8 8 GB की 2 स्टिक है। तो इनकी जो टोटल प्राइस हमने ऐड की है वो हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो 7000 ऐड की है। 7000 में हमने 16 GB रैम इस बिल्ड के साथ यूज़ किया, DDR3 RAM इसमें लगती है। और इसमें जो SSD हमने यूज़ किया है XR की 128 GB SSD हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया, 3 ईयर वारंटी के साथ। इस SSD की बात करें तो इस SSD की प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 3500 है, लेकिन हमने 3000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। अब बात करेंगे इसकी HDD की, जो इस बिल्ड के साथ हमने HDD यूज़ की है वो 500 GB की HDD इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, 100% हेल्थ और 7200 RPM वाली। इस HDD की जो मार्केट प्राइस है वो 2200 है, लेकिन हमने इस बिल्ड के साथ जो है वो 2000 में ऐड की है। अब बात करेंगे इसकी PSU की, जो एनटेक की 80+ ब्रॉन्ज में हमने PSU इस बिल्ड के साथ यूज़ की है, उसकी मार्केट प्राइस जो है 4500 है, लेकिन हमने 4000 में इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ की है। अब आते हैं जी इसके केस की तरफ, जो इस बिल्ड में हमने केस यूज़ किया नॉर्मल केस हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया 2000 में, 2000 रुपये में हमने ये केस इस बिल्ड के साथ जो है वो यूज़ किया है। और अब आते हैं लास्ट पे ग्राफिक कार्ड की तरफ, जो इस बिल्ड के साथ हमने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड हमने इस बिल्ड के साथ यूज़ किया, 6GB 192 बिट GB का ड्यूल फैन में बैक प्लेटेड ये ग्राफिक कार्ड है। और इसमें 1 HDMI और 3 DP कनेक्टर लगने के ऑप्शन है। इस ग्राफिक कार्ड की मार्केट प्राइस अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, 40000 से 43000 तक चल रही है। आने वाले वक्त में इसकी और प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी, हो सकता है 2 से 4 दिन में इसकी प्राइस जो है वो
कहीं पे आपको अपडेट मिले इस ग्राफिक कार्ड की वो 43,000 तक हो, लेकिन हम आपके लिए ये 38,000 में लेके हैं, हमने इस बिल्ड के साथ जो वो 38,000 में ये ग्राफिक कार्ड लगाया है। तो इस तरह ये पूरी बिल्ड जो है वो आपको 74,000 में मिलेगी। इसमें 2,000 रुपये डिलीवरी कॉस्ट आती है हमारी, लेकिन वो हम आपसे चार्ज नहीं करते, हमने जैसे आपसे कंपोनेंट की प्राइस जो है वो चार्ज करनी होती है। अगर हम वो भी ऐड करना शुरू कर दें 2,000 इसके अंदर, तो ये 76,000 में बने, लेकिन हमने वो आपको डिस्काउंट दिया, वो हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट है, फ्री शिपिंग करते हैं। अब इसकी वारंटी की बात करेंगे तो इसकी वारंटी जो है वो आपको 1 मंथ मिलेगी, जिसमें डेड और बन की वारंटी इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा आपको जो है वो तमाम कंपोनेंट्स की जो है वो 1 मंथ वारंटी मिलेगी, जिसमें डेड और बन मैंने आपको बताया कि नहीं इंक्लूडेड, आर्टिफैक्ट्स की वारंटी आपको जो है वो 1 मंथ मिलेगी। अगर आप ये बिल्ड बाय करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई बिल्ड बाय करना चाहते हैं, या कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं, कोई ग्राफिक कार्ड का स्टॉक हमारा आता रहता है, हम उसकी भी अपडेट आपको देते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में। अगर आप कोई ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई बिल्ड बाय करना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप का एड्रेस, अगर आप विजिट करना चाहें तो हमारी शॉप पे भी आ सकते हैं, या आप जो है वो हमारी वेबसाइट www.skoonsir.com को भी विजिट कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी मजीद मालूम के लिए मैंने आपको बताया कि नंबर है हमारा, आप उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शॉप की टाइमिंग या आपसे कॉन्टैक्ट की टाइमिंग बताता चलूँ तो दोपहर 12 से रात 10 बजे तक हम आपसे जो है वो रابطे में रहते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए हमने अपना PDCL नंबर भी दिया हुआ है, अब वहाँ पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी 74K बजट गेमिंग PC बिल्ड फाइक वकार भाई के लिए। इस तरह का मजीद मालूमती कंटेंट देखने के लिए आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और इसके नीचे कमेंट ज़रूर करना है। तो फिर मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।